सो गाइस, ये है आपकी रिवोल्ट, जो कि आपको पता ही है चार्जेबल वाली बाइक है, RB 400। ये आप देख सकते हो, और इसमें जो मॉडिफिकेशन की गई है काफ़ी डिसेंट है और यूज़फुल के हिसाब से है। यानी कि अगर आपके पास रिवोल्ट है तो आपको ये मॉडिफिकेशन करा लेना चाहिए, बहुत ही यूज़फुल है, कोई फालतू नहीं है, कोई इसमें छपरीपन नहीं है, और जितनी भी मॉडिफिकेशन है ये यूज़फुल है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो गाइस, यहाँ पर आप तो यहाँ पर लगा रखी है डिक्की, जो कि लुक भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रही है, प्लस आपकी बाइक के कलर से मैच हो रही है। ऐसा लग नहीं रहा आपने आफ्टर मार्केट वर्क करा रखा है, ऐसा लग रहा है ये कंपनी, जो कि आप देख सकते हो इसमें रिफ्लेक्टर्स भी हैं छोटे से, और कुछ इस तरीके से लुक दे रही है साइड से। गाइस ये देख सकते हो आप चौड़ डबल लगा सकते हो, बट सिंगल ही काफ़ी अच्छी लगती है। बात करूँ अगर इसके अंदर के स्पेस की, तो आप देख सकते हो ये देखो गाइस, यहाँ पर जो है जाल लगा रखा है, ये आप देख सकते हो, जो कि फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर अपना सामान रख सकते हो। मेन जो है वो है इसका चार्जर, यानी कि इसका चार्जर इसमें आप रख सकते हो इजिली। इसके अलावा कहीं और भी आप सामान चाहो तो वो भी रख सकते हो। बेसिकली चार्जर ज़्यादा बेटर रहता है, अगर कहीं आप जा रहे हो तो चार्जर अपने साथ रखो, इनकेस कभी जरूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। गाइस काफ़ी डिसेंट सी चीज़ है, पहली मॉडिफिकेशन तो ये होगी। गाइस दूसरी फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक वाइजर, जो कि बहुत स्मॉल साइज़ का है, ओवर नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बड़ा लगवाना तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, काफ़ी डिसेंट सा है, और ये भी बाइक के हिसाब से मैच हो रहा है। ये उसके ऊपर से लग गए, नंबर प्लेट हिलता बिल्कुल भी नहीं है गाइस, तो ये भी है। इसके अलावा गाइस सीट को क्या है मॉडिफाइड और ज़्यादा कंफर्टेबल करा है, ये देख सकते हो आप, जो नॉर्मल सीट आती है वो आती है बिल्कुल चिपकी हुई, इसको आप देख सकते हो। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा कुशन डाली गई है, जिससे आपकी जो राइडिंग कंफर्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और आप और अच्छी राइड कर सकते हो। गाइस बहुत ही कंफर्टेबल है ये, आप यहाँ से देख सकते हो कितना ज़्यादा भरवा रखा है, और ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर कि आप किस तरीके की सीट भरवाना चाहते हो। आप चाहो तो और ज़्यादा हैवी बना सकते हो, आप चाहो स्लिम कर सकते हो, मतलब ये कस्टमर की चॉइस पर करता है डिपेंड। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन होगी, काफ़ी डिसेंट सी है। और यहाँ लगा रखे हैं स्लाइडर, इस तरफ भी स्लाइडर आपको देखने को मिल जाते हैं और इस तरफ भी स्लाइडर देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी डिसेंट से हैं। और इसका बेसिकली जो वर्क होता है, आप देखो मान लो इनकेस कहीं बाइक गिरता है आपका, तो यहाँ पर तो जगह नहीं लगने की कुछ भी, लेग गार्ड वगैरह आप लगा नहीं सकते, आपको बनवाने पड़ेंगे, जो कि बहुत लंबा खर्चा आता है और नामुमकिन सा ही काम है। जब तक के लिए आप ये काम करवा सकते हो, अगर बाइक गिरती भी है तो यहाँ से देखो भाई कितना बाहर है, डिक्की भी नहीं टूटेगी, आपका फेयरिंग वगैरह भी नहीं टूटेगा, क्योंकि सारा पार्ट जो है प्लास्टिक का है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, इस साइड गिरे या फिर इस साइड गिरे, काफ़ी सेफ रहता है और लुक भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इसे पैर सकते हो। अगर आप इसको भी कर दोगे ना डायरेक्ट, इस पर ही पैर सकते हो, ये देखो इसको बंद कर दो और इसे पैर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइस, इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ मैं, जिसमें आपको जो है हैंड गार्ड वगैरह लगा रखे हैं, मैंने बड़ा वाला वाइजर लगा रखा है, और काफ़ी सारी एक्सेसरीज और भी हैं, इसमें टॉप रैक भी लगा रखा है। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो गाइस। और आज की वीडियो में यही था, जैसे वाइजर वगैरह हो गया, स्लाइडर हो गया, डिक्की हो गई और आपकी सीट हो गई गाइस।